जय जय मच्छेंद्र समाज लिख के रखे। गुरुदेव ने तो कहा था ये महामंत्र है, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये महामंत्र से भी ज्यादा ये संजीवनी मंत्र है। ये मच्छेंद्र गादी से और गुरु गादी का उत्तरदायित्व जहाँ मुझे मिला है वो गुरु सारेनाथ जी को ध्यान में रखते हुए गोरखनाथ जी की कृपा से और मच्छेंद्रनाथ जी की आज्ञा से मैं आप सबको कहता हूँ कि आपके जीवन में जब भी कोई तकलीफ पड़े, कोई बीमार पड़े तो कुछ मत करना, जय जय मच्छेंद्र समर्थ बोलते हुए उसे भस्म लगा देना, वो अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर ने अगर बोल दिया हो कि अभी इसके पास ज्यादा समय नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि उसे थोड़ा समय देना है, उसे जय जय मच्छेंद्र समर्थ बोलते हुए उसे पानी पिला देना, मच्छेंद्रनाथ की कृपा होगी। किसी को ऐसा लगता है कि मुझके ऊपर किसी ने भूत बाधा की है, जो मच्छेंद्रनाथ को मानता है भूतों की औकात नहीं कि मच्छेंद्रनाथ को मानने वाले को। लेकिन अगर ऐसा किसी को लगता है कि हमारे घर में भूत बाधा है, हमारे ऊपर किसी ने भूत छोड़ा है, चिंता मत करना, जय जय मच्छेंद्र समर्थ बोलते हुए मच्छेंद्रनाथ जी के चरणों में उसका मस्तक झुका देना, जा उसका जो भी भूत है निकल जाएगा, जिसने किया है उसी के ऊपर चला जाएगा। जय जय मच्छेंद्र समर्थ, जय जय मच्छेंद्र समर्थ, जय जय मच्छेंद्र समर्थ।